हेलो बच्चों, मैं कर्मवीर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, हमने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट किया था, उसका आगे का लेक्चर मैं लेकर उपस्थित हूं। देखिए, द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर दिया हुआ है, इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5 स्क्वेयर सेंटीमीटर पर सेकेंड। वही फाइंड द रेट एट विच द रेडियस इंक्रीजेज। एल्सो फाइंड दिस रेट व्हेन सर्कमफ्रेंस कितनी हो 10 सेंटीमीटर हो। देखिए, सॉल्यूशन करते हैं। लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस, सी बी द सर्कमफ्रेंस, एंड ए बी द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां से क्या जाएगा, टू फाइंड। तो यहां से देखिए, गिवन क्या है अपने को, गिवन दैट एरिया ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 स्क्वेयर सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट इज कितना हो जाएगा, डी ए बाई डी टी। ये आपको 5 स्क्वेयर सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। नंबर एक, टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है आपने, आपको फाइंड आउट करना है रेट एट विच रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है भाई, मतलब डी आर बाई डी टी फाइंड आउट करना है, डी आर बाई डी टी फाइंड आउट करना है व्हेन सी सर्कमफ्रेंस कितनी दे रखी हो, सर्कमफ्रेंस कितनी दे रखी हो आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ से एज वी नो दैट ए क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ से देखिएगा, डिफ्रेंशिएट करिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी वी गेट। तो क्या आएगा, डी बाई डी टी ए का, और डी बाई डी टी किसका बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा, डी ए बाई डी टी पाई, बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी टी किसका आ जाएगा, आर स्क्वेयर का। ठीक है भाई, तो देखना यहाँ से कितना आएगा, डी ए बाई डी टी यहाँ से कितना आएगा, पाई, और ये आ गया 2R, डी आर बाई डी टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए ये नंबर वन में आपको दे रखा है 5। ठीक है भाई, और ये कितना हो गया, 2 पाई, और ये है आपका डी आर बाई डी टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर मैं इम्प्लाई करूँ डी आर बाई डी टी, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 अपॉन 2 पाई आर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये रेडियस में चेंज आ गया है, ये किस में चेंज आ गया है, रेडियस में। अब इसमें दिया हुआ है कि ये चेंज कब निकालना है, जब सर्कमफ्रेंस कितनी दे रखी हो 10 सेंटीमीटर, व्हेन सर्कमफ्रेंस सी कितनी दे रखी हो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई आर, तो यहाँ से कितना हो गया 10। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन 2 पाई। नाउ डी आर बाई डी टी, इसको हम ले लेते हैं नंबर टू, डी आर बाई डी टी इक्वल्स 5 अपॉन 2 पाई, और यहाँ पर r की वैल्यू क्या लगा देंगे, 10 अपॉन 2 पाई, यूजिंग सेकेंड। तो यहाँ 2 पाई से 2 पाई कटेगा, तो यहाँ से कितना आएगा आपका, डी आर बाई डी टी 5 अपॉन 10, ये कट करेगा आपका, तो यहाँ से कितना आएगा, 0.5, मतलब 1/2 आएगा, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसानी क्वेश्चन था। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं था,
यहां सर्कमफ्रेंस 10 सेंटीमीटर दे रखी हो तो चेंज बताना था आपको रेडियस के अंदर, तो आपने रेडियस की वैल्यू निकाल ली यहां से, ठीक है, और यहां जो अपना चेंज आया था उसके अंदर रेडियस की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है भाई। तो देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए बच्चों सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो देखिए लेट एक्स बी द साइड ऑफ ए स्क्वायर, देखिए स्क्वायर किस प्रकार का होता है, ऐसे शेप होती है, सिमेट्रिक शेप होती है, एक्स 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 एक्स, ठीक है भाई, एंड पी डिनोट द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहां से देखिए गिवन दैट, क्या गिवन है, द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, दैट इज क्या दे रखा है आपको, साइड में चेंज मतलब डी एक्स बाई डी टी, ये गिवन है, ठीक है भाई, कितना 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, डी पी बाई डी टी फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। तो यहां देखिएगा एज वी नो दैट, नो दैट क्या जानते हैं हम, पी जानते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, या तो फोर मल्टीप्लाई साइड या इन चारों साइड्स को जोड़ दीजिए, तो क्या होता है फोर मल्टीप्लाई साइड, ठीक है, तो क्या आ जाएगा पी इक्वल टू फोर एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी वी गेट क्या आएगा बताना, डी बाई डी टी पी का, डी बाई डी टी फोर एक्स का, तो ये आया डी पी बाई डी टी फोर मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी टी, तो यहां से डी पी बाई डी टी कितना जाएगा फोर मल्टीप्लाई। अब देखिए ये आपको गिवन था, इसको नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी थी 0.2 दे रखी है, 0.2, तो यहां पर यूजिंग यूजिंग फर्स्ट, तो यहां से कितना जाएगा डी पी बाई डी टी कितना आ जाएगा 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, द रेडियस ऑफ ए बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई, इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है इस रेट से, पूछा गया है एट वट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ बलून इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस कितनी दे रखी हो 15 सेंटीमीटर। देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, लेट आर बी द रेडियस, एस बी द सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बलून स्फेरिकल बलून, ठीक है, गिवन क्या है अपने को, गिवन दैट द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, दैट इज क्या दिया हुआ है बच्चों आपको, क्या गिवन है डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, सरफेस एरिया में चेंज मतलब डी एस बाई डी टी व्हेन रेडियस कितनी हो आर बराबर 15 सेंटीमीटर, ये हमें कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है। अब लिखेंगे एज वी नो दैट क्या जानते हैं हम, एस सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून, स्पीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो देखिए यहां से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी वी गेट। तो यहाँ से डी बाई डी टी एस का, और डी बाई डी टी किसका आ जाएगा बच्चे, 4πr². तो यहाँ से देखिए कितना आएगा आपका, डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी 4π बाहर, डी बाई डी टी किसका, आर स्क्वायर का। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, डी एस बाई डी टी 4π, यहाँ से 2r आ जाएगा, विल गेट 2r, और r का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी आ जाएगा। तो यहाँ से देखना डी एस बाई डी टी 8πr, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 8πr, डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ रखती है, 10 सेंटीमीटर गिवन है हमें, ठीक है भाई, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो यहाँ से यूजिंग फर्स्ट को यूज कर लिया, तो यहाँ से डी एस बाई डी टी आपको कितना मिलेगा, 80πr स्क्वेयर सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेन 15 रेडियस हो तब इसको कैलकुलेट करना था हमने, वेन आर बराबर 15, ठीक है भाई, देन एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया डी एस बाई डी टी 80π मल्टीप्लाई 15, इस आर की वैल्यू में क्या लगा दूंगा, 15 लगा दूंगा, कितना आएगा, 1200π स्क्वेयर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, देखिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सो बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। देखिए सॉल्यूशन, वॉल्यूम में चेंज बताना है इसमें, लेट आर बी द रेडियस एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ ए सर्कुलर सोप बबल, ठीक है, सोप बबल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्पीयर टाइप का होता है, आप देखोगे सोप जब हम साबुन लगाते हैं तो उसमें कुछ बबल्स निकलते हैं, तो स्पीयर टाइप के बबल होते हैं, ठीक है भाई, स्पीयर टाइप के बबल। गिवन दैट, क्या गिवन है, गिवन दैट रेडियस ऑफ सर्कुलर सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज यहां से आपको रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये नंबर वन। ठीक है, फाइंड आउट करना है वॉल्यूम में चेंज जब रेडियस कितनी दे रखी हो, 4 सेंटीमीटर दे रखी हो। टू फाइंड डीवी बाई डी टी वेन रेडियस कितनी दे रखी हो, 4 सेंटीमीटर। एज वी नो दैट क्या जानते हैं, हम वी जानते हैं वॉल्यूम, स्पेरिकल सोप बबल है, बबल तो स्पेरिकल ही होता है, तो स्पीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr³। ठीक है भाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी वी गेट, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखना वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी बाई डी टी 4/3πr³। ठीक है, तो देखिए यहां से कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी टी यहां से 4/3πr आ जाएगा, और डी बाई डी टी किसका आएगा, आर क्यूब का। तो यहां से डी वी बाई डी टी कितना आ जाएगा, 4/3π³dr/dt। ठीक है, ये 3 से 3 कटने के बाद में आपका क्या आंसर आएगा, डी वी बाई डी टी 4πr² डी आर बाई डी टी 0.2 दिया हुआ है आपको, 0.2 यूजिंग फर्स्ट। तो यहां से डी वी बाई डी टी क्या आएगा, 0.8πr² क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर ये वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया है, ये कब कैलकुलेट करना था, जब रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखी हो। ठीक है, तो यहां से when r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो यहां से dv बाई डी टी कितना आएगा, 0.8π² कितना आएगा, 0.8π × 16, तो ये आएगा 12.8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड।
ठीक है भाई, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, इससे ज़्यादा और क्वेश्चन करेंगे तो